हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश की UPTT या CTET से जो भी जुड़ी हुई जानकारी निकल कर आती है, उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद जो न्यूज आप तक पहुंचाने लायक होती है, उसको हम लेकर आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश UPTET और CTET। इन तीनों विषय में चर्चा होगी और कुछ लोगों का सवाल जो था, उत्तर प्रदेश में एडेड कॉलेज में जो 1894 पदों पर भर्ती होनी थी, जो भर्ती लटक गई, जिसका एग्ज़ाम मई में होना था, वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चैनल को प्रमोट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुँच सके, जिससे होगा ये कि इसमें जो भी भर्तियों से जुड़ी हुई जानकारी होगी, उसके बारे में सारी अपडेट आप तक सही समय पर पहुंचाई जा सकेगी। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं इस बारे में पूरी जानकारी। आपको दोस्तों पहले CTET से जुड़ी हुई जानकारी दे देते हैं। CTET की बात, कुछ लोगों ने कहा कि CTET का कहाँ पर आया है, तो CTET का अभी तक बहुत सी फर्जी वेबसाइटों द्वारा ये जानकारी दी जा रही थी कि इस तारीख को होगा, इस तारीख को होगा, लेकिन एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जी न्यूज़ पर। ये एक बहुत ही रेपुटेटेड न्यूज़ चैनल है, जिसके आप वेबसाइट पर जाएंगे तो आप जी न्यूज़ की वेबसाइट पर जाएंगे, जी न्यूज़ इंडिया की वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा 15 जून को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जिसमें बताया गया है कि जो ये एग्ज़ाम है, ये आपका एग्ज़ाम अब जो संभावित हो गया है, अब ये दिसंबर में जाने वाला है, क्योंकि आपका जो CTET के बारे में जो भी नोटिफिकेशन है, ये आपको नोटिफिकेशन 20 तारीख के बाद अर्थात 20 जून के बाद कभी भी देखने को मिल सकता है। अगर आपको मालूम है, जैसा कि CTET में 4 महीने का समय लगता है CTET के फॉर्म फिलअप से लेकर एग्ज़ाम होने तक, हर बार का यही रूल रहा है, इस बार फॉर्म फिलअप हो नहीं पाए, क्योंकि अगर जुलाई में होना होता तो ये फॉर्म फिलअप आपका फरवरी में हो गया होता। इसलिए आपको बता देते हैं, जो उन्होंने कहा है, जी न्यूज ने कहा है, उसके अनुसार ये दिसंबर में होगा, लेकिन आप ये मान कर चल सकते हैं, अगर आपका फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन जून में आ जाता है तो आप अक्टूबर में मान कर चल सकते हैं, तो इससे पहले आपका CTET होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए CTET के लिए परेशान ना हो, आपके पास पर्याप्त समय है और CTET होगा इस साल, ये कन्फर्म है, ये कन्फर्म है CTET होगा। और जिन्होंने अभी तक CTET क्लियर नहीं किया है, तो वो आपको मालूम हो गया होगा कि ये लाइफ टाइम वैलिड हो गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से क्लियर करके आप लोग एक बार में लाइफ टाइम के लिए इसको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों की एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में एडिड कॉलेज थे, उसके विषय में बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा था हमारे कमेंट बॉक्स में, उसमें कहा गया था कुछ लोगों द्वारा ये एग्ज़ाम कब होगा, तो दोस्तों आपको बता देंगे, योगी सरकार अब बिल्कुल रोजगार के मूड में आ गई है, रोजगार मिशन के मूड में आ गई है, और उनका जो मिशन रखा गया है 1 लाख रोजगार दिसंबर तक, उस 1 लाख रोजगार में आपको बता दें, बहुत सारे जो भर्तियां हैं लंबित, उन सभी को जोड़कर होने वाली हैं। और शिक्षक भर्ती जो आपको 97,000 बताई जा रही है, कल एक रेपुटेटेड काफ़ी यूट्यूब चैनल था, जिसमें उन्होंने बिल्कुल एक पिछली कटिंग 2018 की उन्होंने चलाकर दिखा दी कि ये एग्ज़ाम इस तारीख को होने वाला है। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसी भयावह खबरों से दूर रहें, वो केवल कोचिंग चमकाने के चक्कर में ऐसी न्यूज़ अफवाह उड़ा देते हैं, इसलिए वो 97,000 की जो कटिंग वायरल हो रही है वो 2018 की है, अभी कोई भी ऑफिशियल या कोई भी न्यूज़ अभी 97,000 की नहीं आई। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 97,000 पद आने वाले नहीं हैं, जो सरकार ने बताया है वो 91,000 पद हैं, 51,000 पद हैं, सॉरी 51,000 पद पर आपको भर्ती देखने को मिल सकती है, वो भी अभी नहीं। आपको जो भी संभावना है, TT की जो फॉर्म है, वो आपको इसी महीने के लास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप TET के लिए, आपका TET जल्द होगा, ये कंफर्म हो गया है, क्योंकि मिशन रोजगार की वजह से TET जल्दी होगा। और जो भी 68,500 की 22,000 सीटें लगभग, उसके बाद 5,000 सीटें जो 69,000 है, 69,000 की थर्ड काउंसलिंग जल्द होगी, इसके बारे में कुछ लोगों ने पूछा था। और कटाप के बारे में बता दें, 68,533 के बारे में जो लोग कह रहे थे, उसके बारे में धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं, इसमें सरकार का क्या निर्णय आता है, ये सोचने का बात का विषय है। तो दोस्तों, आप लोग शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी करते रहें, UPTET आपको देखने को मिलेगा CTET से पहले, ये आप मान के चल सकते हैं। इसलिए जिन लोगों ने कहा था कि
यूपी टेट होगा कि नहीं, तो यूपी टेट होगा, लाइफ टाइम वैलिड भी कर दिया है, मिशन रोजगार चल रहा है यूपी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा। 1 लाख जो भर्तियां हैं उसमें आर ओ आर ओ के पद भी हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के जो पेट के द्वारा पद आने वाले हैं 50,000 वो होंगे, क्योंकि पेट के द्वारा लगभग 50,000 वैकेंसियाँ भरी जानी हैं वो होंगे, उसी में जोड़ी गई हैं, वही एक वो सब मिलकर 1 लाख होते हैं। तो शिक्षक भर्ती के लिए आपको एक लंबे आंदोलन की जरूरत पड़ने वाली है। हमारी तरफ से जितना प्रयास होगा आंदोलन के लिए हम यहाँ पर आह्वान करते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ट्विटर और ज़मीनी स्तर पर आपको काम करने की सभी लोगों को जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर अभी कोई भी स्थिति साफ करने के मूड में नहीं है। टेट कराएगी और डीएलएड के फॉर्म भी आ गए, उसकी भी डेट आ गई, बीएड के भी आ गई, लेकिन शिक्षक भर्ती के बारे में सरकार द्वारा कोई भी बात सतीश मिश्रा जो हमारे शिक्षक मंत्री हैं उनके द्वारा नहीं कही जा रही है। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अब ज़मीनी स्तर पर काम करें, शिक्षक भर्ती आएगी, क्योंकि आपका जो कि बताया गया है जो नवंबर से आपका चुनाव के 6 महीने पहले यानी मई से 6 महीने पहले आप मांग चल सकते हैं कि आपका 6 महीने पहले से किसी प्रकार की भर्तियों के बारे में, नवंबर के बाद आपकी सरकार द्वारा कोई भर्ती नहीं जारी नहीं होने वाली, इसलिए नवंबर तक कोशिश करिएगा कि नवंबर तक भर्ती आ जाए, और जो नवंबर से पहले भर्तियां आ जाएंगी वो भर्तियां होंगी चुनाव तक। इसलिए शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग सभी लोग प्रयास करिएगा, और अगर कोई जानकारी आपको चाहिए होगा तो कमेंट में छोड़ दीजिएगा, हम पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।